एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में नल हौज से संबंधित चार टाइप पर बात करते हैं। अगर आप इन चारों टाइप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन में नल हौज से संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टाइप वन, टाइप वन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। दो नल ए और बी किसी हौज को अलग अलग एक्स और वाई घंटों में भर सकते हैं। दो नल है, अगर अलग अलग दोनों को चालू किया जाता है तो वो किसी हौज को पहला नल एक्स घंटा में और दूसरा नल जो है वाई घंटा में उस हौज को भरने की क्षमता रखता है। अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो हौज कितने घंटों में भरेगा? ऐसे प्रश्न के लिए आप ट्रिक क्या अपनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए इस ट्रिक को अपनाना है। दो नल है, अलग अलग जितने घंटों में भरता है उनको गुणा कर दीजिए, यानी एक्स गुणे वाई। इसके बाद इनके गुणनफल में इसी के योगफल से भाग कर दीजिए, एक्स प्लस वाई। जवाब आपको स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। टाइप दो, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः एक्स और वाई घंटों में खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो हौज कितने घंटों में खाली हो जाएगा? इस टाइप के प्रश्न को किस ट्रिक के द्वारा यथाशीघ्र कम समय में बनाया जाए? देखिए इस प्रश्न के लिए क्या ट्रिक अपनाएं। दो नल है, उसको अलग अलग एक्स और वाई घंटों में खाली करने की क्षमता रखता है, तो उन दोनों के समय को गुणा कर दीजिए और इस गुणनफल में इनके समय के योगफल से भाग कर दीजिए। इस तरह से प्राप्त हल आपका सही सॉल्यूशन होगा। टाइप तीन, टाइप तीन कुछ इस प्रकार का प्रश्न होगा। देखिए दो नल है, नल ए किसी हौज को एक्स घंटों में भरता है और नल बी उसी हौज को वाई घंटों में खाली कर देता है। अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो हौज कितने घंटों में भरेगा? देखिए एक पानी भर रहा है और दूसरा उसको खाली कर रहा है। ऐसे प्रश्नों में आप क्या ट्रिक अपनाएं? देखिए इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं। एक नल हौज को भरे और दूसरा नल उसको खाली करता है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। दोनों के समय को आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद यहां दो स्थिति हो सकती है, एक्स वाई से बड़ा हो सकता है या वाई एक्स से बड़ा हो सकता है, नहीं कोई टाइम जो है छोटा बड़ा जरूर रहेगा। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा लीजिएगा, एक्स घटाओ वाई। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब एक्स बड़ा हो वाई से। इसी के लिए इस फॉर्मूला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स गुणे वाई बटा वाई माइनस एक्स। इसका उपयोग तब करना है जब वाई बड़ा हो एक से, ये तो सेंस की चीज है। हमेशा घटाव की जो क्रिया करना है बड़ा से छोटा ही करना है। इस तरह से आपके पास जब ऐसी समस्याएं आती है कि एक नल हौज को भर रहा हो और दूसरा नल उसे खाली कर रहा हो तो उसके लिए इसी ट्रिक को अपनाना है। टाइप चार, टाइप चार कुछ इस प्रकार का प्रश्न होगा। देखिए तीन नल होंगे जिसमें से दो नल हौज को भर रहा होगा और एक नल उसको खाली कर रहा होगा, उस प्रश्न को आप किस तरह से बनाएंगे? दो नल ए और बी किसी हौज को एक्स और वाई घंटों में भरता है,
और तीसरा नल एक सी है जो उसी हौज को जेड घंटों में खाली कर देता है। अगर तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं। तीन नल की यहां बात है जिसमें दो हौज को भर रहे हैं और एक उसको खाली कर रहा है। इसके लिए देखिए क्या ट्रिक अपनाएंगे। तीनों नल के समय को आपस में गुणा कर दीजिए, x गुणे y गुणे z, और इनके गुणनफल में भाग कीजिए। ध्यान दीजिए यहां z खाली कर रहा है, तो जो खाली कर रहा है उसके समय से प्रतीक में अलग अलग गुणा करके जोड़िए। तो x का एक बार z खाली कर रहा है तो z का x से गुणा कीजिए, xz या zx कुछ भी लिखिए, प्लस फिर इसी z का एक बार y से गुणा कीजिए, yz। z जो नल को खाली कर रहा है उसके समय से एक बार x में गुणा करते हैं, फिर प्लस एक बार y में गुणा करते हैं, फिर इसमें से घटा देते हैं। ये दोनों भर रहे हैं, जो भर रहे हैं उनके टाइमिंग के गुणनफल को, यानी एक्स वाई। फिर से एक बार इसको समझिए, तीन नल होगा, दो भर रहा होगा और एक नल उसको खाली कर रहा होगा, तो तीनों का टाइमिंग आपस में गुणा होगा, उस गुणनफल में भाग करेंगे। किससे करेंगे? तो जो खाली कर रहा है उसके टाइमिंग से जो भर रहे हैं उनके टाइमिंग में अलग अलग गुणा करके जोड़ देंगे। इस गुणन जो फल में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? तो जो भर रहा है उनके टाइमिंग को आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करके इनमें से घटा देंगे, आपको सही समय प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से तीन हौज, जब तीन नल हो तो हौज को भरने के लिए ये ट्रिक है। जब दो नल हौज को भर रहा हो और एक नल उसे खाली कर रहा हो, ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोपहर 1 बजे कंपटीशन से संबंधित ट्रिक भेजा जाता है, आप उस ट्रिक को पढ़िए, कंपटीशन के क्षेत्र में उतरिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते कि आप मेहनत कीजिए, अपने आप में विश्वास रखिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, किसी तरह का निगेटिव बात अपने दिमाग में ना आने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट।